यूपी की बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। यूपी सरकार सवालों के घेरे में है। मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी समेत विपक्ष के तमाम नेता मौत पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि मुख्तार को धीमा जहर देकर मार डाला गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माफिया की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अब खबर है कि मुख्तार अंसारी की विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ लाया गया है। विसरा जांच के बाद हत्या की असल वजह और स्पष्ट तरीके से सामने आ सकेगी। मुख्तार अंसारी के घर वालों के गंभीर आरोप के बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने माफिया की बॉडी के 5 ऑर्गन का विसरा सुरक्षित रख लिया था। इसे पुलिस को सौंप दिया गया था। इस विसरा को पुलिस ने जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब में भेजा है। आपको बता दें कि मरने वाले के शरीर से आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है, उसे ही विसरा कहते हैं। विसरा की जांच केमिकल एग्जामिनर करते हैं। वो इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह क्या थी। विसरा रिपोर्ट को ही अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि उनके पिता को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया। इसी तरह दावा मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने भी किया, लेकिन अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीते दिनों मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दाखिल किया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे जेल में खाने में विषैला पदार्थ मिलाकर दिया जा रहा है। अंसारी ने दावा किया था कि 19 मार्च को खाना खाने के बाद उनकी नसों और अंगों में दर्द शुरू हो गया था। बात करें विसरा जांच की, तो किसी की मौत हो जाने के बाद अगर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है तो इस दौरान मरने वाले के शरीर से विसरल पार्ट यानी आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों का सैंपल ले लिया जाता है, उन्हें ही विसरा कहते हैं। अगर किसी शख्स की मौत संदिग्ध हालत में होती है, उसकी मौत के पीछे पुलिस या परिवार को किसी भी तरह का शक होता है, तो ऐसे मामलों में मौत की वजह जानने के लिए विसरा की जांच की जाती है। गौरतलब है कि शनिवार को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले उनका जनाजा निकला जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जब जनाजा कब्रिस्तान के अंदर चला गया तो वहां कम से कम 5,000 लोग मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने खुद हाथ में माइक ली और लोगों से पीछे हटने की अपील करते हुए नजर आया। साथ ही ये सूचना भी देते रहे कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार वालों को जाने की अनुमति है। हालांकि कुछ लोगों ने दीवार फांदने की कोशिश भी की। इस दौरान अफजाल अंसारी और डीएम के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहां के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। वहीं विसरा रिपोर्ट सामने आने के बाद ही माफिया मुख्तार अंसारी की मौत विषैले पदार्थ से हुई या फिर हार्ट अटैक से, इससे पर्दा उठ पाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।